नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों की खबर, जो वर्तमान समय में नगर पालिका चुनाव के रूप में सामने आ रही है। खुदा हुआ है, बच चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखना। बिच रही है चुनावी मिसा, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता करेगी तय, किसे भेजेगी चुनाव से पहले चुनाव की हर बात। रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। इस चुनावी नारों की गूंज है बीसलपुर नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 5 से, जहां मुनीस भोजवाल और भोले अपने कुर्सी चुनाव चिन्ह को लेकर जनता के बीच घर घर जा रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। उनके साथ भारी लाव लश्कर है, युवा जोश है, युवाओं की टोली है, जो अमित भैया जिंदाबाद, नीश भोजवाल जिंदाबाद के नारे लगाकर नीश भोजवाल का चुनाव अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। मुनीस और अमित जहां भी जा रहे हैं, उनको मतदाताओं का प्यार मिल रहा है। उनका चुनाव चिन्ह कुर्सी है, अपने चुनाव चिन्ह कुर्सी को लेकर वह लोगों को बता रहे हैं। जो भी मिलता है मुनीश कुमार, उसका अभिवादन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, हर घर में जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील करते हैं। वार्ड नंबर 5 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुनीस भोजवाल काफ़ी मजबूत खिलाड़ी इस मैदाने जंग में दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल समय बताएगा कि बाजी किसके हाथ लगेगी। आइए सुनते हैं मुनीस भोजवाल इस चुनावी समर में अपने मतदाताओं से क्या आश्वासन देकर मतदान अपने पक्ष में देने की अपील कर रहे हैं। सभी नगरवासियों को नमस्कार। वार्ड नंबर 5 से मुनीस भोजवाल, मैं ये बात कहता हूँ कि जो भी वार्ड में व्यवस्थाएं सही नहीं है, उसे सही करा जाएगा। और जैसे साफ सफाई, लाइट की व्यवस्था बहुत ही खस्ता हालत है, वो सही करी जाएगी। मेरा चुनाव चिन्ह कुर्सी का है और समस्या है हमारे वार्ड वालों को, वो हमें बताएं, वो पूरी होगी और भारी बहुमत से हमसे विजय बिना पर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अपील, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।